हाँ जी, असि ना हम श्री आनंदपुर साहब तो निकल चुके हैं, तुम देख सकते हो पिछे। ठीक है जी, तो हम असि चलिए डेरा साहब न। हाँ जी, असीं पहुँच गए नंगल डैम, जिहड़ा कि हिमाचल प्रदेश से पंजाब बार्डर ते स्थित है। यह बिलासपुर इहदा डिस्ट्रिक्ट पैंदा वे, 226 मीटर उचाई ते है जिहड़ा अपना नंगल डैम है। यह जिहड़ा पानी है पूरा चंडीगढ़ दिल्ली पंजाब हरियाणा लई बहुत ज़्यादा मात्रा च पानी है। तो यह 169 किलोमीटर फैलिया होया, तो यह अपने इंडिया भारत का थर्ड बिगेस्ट डैम है। तो ये 26 गेट्स लगे ने, तुसीं देख रहे हो वीडियो दे विच। तो यह 1948 मतलब शुरू होया सी बनना, तो 1970 दे विच कंप्लीट होया सीगा। तो 26 गेट लगे ने, तो फोटोग्राफी अलाउ नहीं हैगी इत्थे, ते नाल उत्थे वैसे बंदे भी खड़े हुए ने, तो अलाउ नहीं देंदे हैगे फोटोग्राफी वीडियो बनाने लई। तो बहुत वड्डा डैम है, बहुत ज़्यादा वड्डा डैम है। हाँ जी, आपां हुण पहुँचने वाले ऊना जी। ऊना रह गया 13 किलोमीटर। तो आई देख रहे हैगा हिमाचल प्रदेश का मतलब एंट्री गेट, मतलब इतों हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता वा। यह है मतलब टूल टैक्स, हाँ टूल टैक्स आप कह सकते हैं। टूल टैक्स इतने मतलब कटते हैं पर्चियां वगैरह, टू व्हीलर लिए तो फ्री होंगे। देखो टूल टैक्स हाँ जी, असीं हुण पहुंचे सीगे ऊना। ऊना तो अगे वैसे पता नहीं केड़ा पिंड हैगा वा, मैनूं नां नहीं वैसे याद हैगा। तो मतलब उत्थे हैगा एक ढाबे सी, असीं राधे कृष्णा ढाबा, तो असीं रुके सी इत्थे, असीं चाह पीती आ। तो चाह पी के थोड़ा बहुत साह पानी लै गए, हुण असीं चलिया डेरा साहब नूं। ठीक है जी, तो डेरा साहब नूं इत्थों दी जिहड़ा डेरा साहब हैगा वा अराउंड 30 किलोमीटर रह गया। जो 30 किलोमीटर जो आप लाइए हूँ एरिया जोड़ा है वा हिल्स वाला एरिया पहाड़ा पूरा वाला, तो यह पै जाता वा अपना अराउंड 2 घंटे 1.5-2 घंटे ला गए सू 30 किलोमीटर। चाह तो वधिया बनाते हैं ढाबे वाले, बहुत वधिया चाह बनाते हैं। स्पैशल इन्होंने सू चाह बना के दी, आने सारी सू पुछ लिया कहने डेरा साहब चलने। मैं हाँ जी डेरा साहब चलने, तो कहते बस तुम सीधा जाके अगे अंब आएगा शहर, अंब तो सीधा बस धौली घर गुरुद्वारा साहब आजगा। चलो ठीक है जी, हूँ असं चलन लगे हाँ, बाइक साड़ी तैयार आ, तुम अगे जाके मिलते। ओके जिमें कि तुहानू पता जी, असं आनंदपुर साहब तो आ रहे हैं, तो आनंदपुर साहब तो यह लगभग 120 किलोमीटर दूर है डेरा साहब। तो ऊना तो 80 किलोमीटर रह जाता वा, तो अंब तो यह 15 किलोमीटर डेरा साहब दूर रह जाता, तो नहरिया तो 5 किलोमीटर रह जाता वा। तो इतने सीधिया बसा भी आदि ने, ट्रेना भी आदि ने। जे तुम ट्रेन चाहना चाहते हो तो जिमें कि अंबाला तो या दिल्ली तो सरहद तो कीरतपुर साहब आनंदपुर साहब कितों भी तुम आ रहे हो, तो सीधिया जिहड़ियां ट्रेना ने अंब इंदौरा च आके रुकदियां ने, इंदौर च आके रुकूगी। तो इत्थे रेलवे स्टेशन अंब दे विच ही बनया होया वा, तो लगभग 15 किलोमीटर दूर है तो अपना डेरा साहब तो, डेरा साहब तो जिहड़ा अंब है 15 किलोमीटर दूर है। तो अंब तक पहुँच के फिर नहरिया राही बस च आ सकते हैं, बस जाके उस तो बाद फिर नहरिया तो फिर टैक्सी मिल जाती है।
ਅਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਈਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਰਾਹ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਰਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਰਸਤੇ ਬਣਦੇ ਵੀ ਪਏ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਖਰਾਬ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਦਿਨ 'ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਬੱਸਾਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ। चल 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 अगो खड़ी हो जाएगी। हाँ जी, अभी थोनों इस स्थान के इतिहास बारे चानना पाने जी। हिमाचल प्रदेश का जिला ऊना, जिथे 50 किलोमीटर दूर पैंदा पिंड एक मायरी, मायरी या मैरी मौजूद है इतने गुरद्वारा साहब। इस जगह एक नार नाम का राक्षस रहा हों, शक्तिशाली से लोगों को बहुत तंग करता हों। जो बाबा जी थम साहब ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਹੁਤ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਏਗਾ ਉਸਦੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦੂਰ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਧੋਲੀ ਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਵੈ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬੇਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਲੰਗਰ ਹਾਲ। ਇੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਲਓ ਜੀ ਫਾਈਨਲੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤਪ ਅਸਥਾਨ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਵਡਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਲਾਤੀ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਣ, ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਅਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਗ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੀਏ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਮਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਵਾ ਅਤੇ ਥੱਲੇ ਬੇਸਮੈਂਟ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਪਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 10-10। ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਦਿਖਦਾ ਵਾ, 10 ਦੇਖੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਦਾ, 010। ਵੈਸੇ ਕਮਰਾ ਨੰਬਰ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ 10। ਲੈ ਉਹ ਜੀ ਖੋਲੋ, ਦੇਖੀਏ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਓਕੇ,
हाँ जी कमरा सानू मिल गया वा बस हूं तो बस असि लम्बे ही पैना क्योंकि सवेरे सवेरे साढ़े चार बजे से तुरे हाँ हूं जो टाइम हो गया वा पौने छे मतलब लगभग छे ही बज चुके हैं घट्टो घट सानू 13 घंटे हो गए असि लम्बे नहीं पे आए हूँ असि लम्बे पवेंगे एक घंटा तो उसके बाद फिर अंदर जावे मत्था टेकन दोस्त मिलेंगे आप शुरू करा तो फिर मंजी साहब जावे जिथे बखोबट पार सिंह जी ने अपना तप स्थान आता है फिर धोली का चलो जी हूँ अस करते आराम है साथ याद है आराम कर बाकी मैं पूरी वीडियो एक गल कही है कि जे तुम वीडियो वधिया लग रही है तो तुम प्लीज लाइक करो शेयर कर दो कमेंट भी कर दो तो डोंट फॉरगेट टू सबसक्राइब माई चैनल ओके जी सब गुरु आओ तुम बने रहो इस वीडियो असी चले हैं जी धौलीधार साहब तो जो कि तप स्थान मंजी साहब तो लगभग 2 किलोमीटर दूर है चरण गंगा इधर ही बनता ना कोई नहीं धौलीधार आ लिखे जी धौलीधार इतों आप राइट हो जाना थले सवेरे 7 to 8 बजे तक है इतने रुकन का समा सवेरे मैं 7 बजे शुरू होंगे और स्नान यह हैगा जी धौलीधार स्थान इतने बाबा नाथ सिंह जी का भी स्थान बनया हुआ तो आ देख लो इतने सारिया मार्केट बनी है दुकाना ने इतने संगत वास्ते बैठन का बनाया हुआ तो इधर सामने इतने मत्था टेकन वास्ते बनाई है जगह ठीक है जी अंदर तो बाबा नाथ सिंह जी का स्थान बनाया वा तो जल वे तो तुम लैके जा सकते हो ठीक है तो इधर आ सारिया संगत मतलब जड़िया आ रही ने यह इशनान करके आ रही ने धौलीधार तो तुहानू धौलीधार भी दिखावांगे किवें दी जगह वै ते जे उत्थे जे कैमरा लाओ होया ते आपां तुहानू दिखा दांगे अदरवाइज़ नहीं तां फिर जे बंदे खड़े जिवें खड़े हुंदे ने उत्थे कई वारी बना नहीं रहिंदे वीडियो आ देखो जी संगतां इशनान कर रहियां ने वैसे वीडियो नहीं बना दित्ती सी बस फोटो ही खिंची सी मैं आ देखो किवें मतलब धौलीधार मतलब आंदा खाना उपरों जल पहाड़ा चो ते बस इहदे थले करके इशनान करना हुंदा वा आ देख लो किन्नी संगत आई हुई आ जिथे होना जी यह है जी बेरी साहब जेडे आप बेरी देख रहे हो यह बहुत ज्यादा पुरानी है उस टाइम की बेरी है जो बाबा जी ने नार सिंह फड़ा से इन्निया पुरानी बेरी है ये इतने भी जो कोई बंदा मानसिक या शरीरक तौर पर दुख होंगे इतने बेरी को आके बह जाता वा तो अपना ठीक हो जाते हैं तो आ देखो ये सारा अंदरों बनया हुआ वा गुरु साहब दोटो लाइया ने ठीक है जी तो असं इनान कर लिया धौलीधार उ जिते थोन दसिया उ इनान कर लिया असी हूँ इतने बेरी साहब आए हैं मत्था टेकन देखो जी तो रात को भी बहुत ज़्यादा मीह पिया बहुत ज़्यादा नेरी चली सी बहुत ज़्यादा लाइट भी चले गई सी बहुत ज़्यादा नेरी मीह आया तो सानू सीगा भी जे अज ही क्योंकि कल तो असी जाना सी जब जे रात को मीह पिया जे सारा दिन पैंदा रहेगा तो साडा फिर जाने का जिहड़ा प्रोग्राम है कैंसल हो जाना फिर एक दिन होर ठहरना पैना बट रात को मीह पिया बहुत जोरदार तो रुक गया मीह तो आ देखो जी ये हैगा जी समाध बीबी भानी जी की समाध बनी हुई है अंदर बीबी भानी जी का सरूप लाया हुआ वै हाँ जी तो ये माता राज कौर जी की समाध है जी तुम देख रहे हो देखो इतने महाराज धन तो इतने जी धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज प्रकाश किया हुआ वै तो ये बेरी साहब तो ये जी तप स्थान गुरद्वारा मंजी साहब का जी तुम देख रहे हो बाबा बुढ़ भाग सिंह ने तप किया हाँ जी असं हूँ आ गए जी घर अपने डेरा साहब तो जोड़ा कि अपना तुम्हें पता ट्रिप से श्री आनंदपुर साहब का हम टाइम हो गया वा 3:30 बज गए असी डेरा साहब तो तुरे से 10 बजे तुरे से 10 बज ही गए थी सू तुरते बाकी डेरा साहब ना एक मैं मतलब फोटेज नहीं लै सकया कि डेरा साहब की चार्जिंग पॉइंट नहीं मतलब जिम्मे मतलब पूरे गुरुद्वारे
ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲੱਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਮਰੇ ਵੀ ਲਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਚਲੋ ਕੱਟਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਸਵਿੱਚ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਪੱਖੇ ਦੀ ਇੱਕ ਲੈਟ ਦੀ ਬਸ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਡੈੱਡ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੇਰਾ ਅਤੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਅਤੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਫੋਨ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਫੋਨਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਅਤੇ ਪਰਨਾ ਵਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਪੰਨਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੁਬਾਰਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਘਰੇ ਘੰਟਾ ਕੁ ਹੋ ਗਿਆ ਘਰੇ ਆਏ ਇੱਧਰੋਂ ਆਏ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਉਨਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਰਵਾੜਾ ਫਿਰ ਗੁਰਾਇਆ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਜੀ ਟੀ ਰੋਡ ਚੜ੍ਹ ਘਰੇ ਆ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬਾਕੀ ਮੌਸਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਘੈਂਟ ਮੌਸਮ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਬਾਈਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਾਈਕ ਵੀ ਹਿਲਦੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਹਵਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਸੀਗੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵਧੀਆ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਲੀਜ਼ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕੀਪ ਸਪੋਰਟਿੰਗ ਸੋ ਓਕੇ ਜੀ ਬਾਏ ਬਾਏ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਮਿਲਾਂਗੇ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ